गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 6. लेसन नंबर 6 का नाम है पोल्यूशन. ठीक है, तो आज हम पोल्यूशन का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. लास्ट पे जो एक्सरसाइज होते हैं हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेज नंबर 190 निकलना है और आप लोगों को वहाँ पर अच्छे से देखना है. देखिए, फर्स्ट है फिल ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. आप लोगों को ब्लैंक्स को भरना है. फर्स्ट है देयर आर डेज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, 4. ठीक है, 4 का स्पेलिंग आप लोगों को याद होना चाहिए, FOUR, 4. ठीक है, सेकेंड है व्हेन पीपल थ्रोन गार्बेज ऑन द रोड. जब लोग गंदे चीज़ों को रोड पे फेंकते हैं, इट काजेज डेज पोल्यूशन. ये कौन सा पोल्यूशन काज करते हैं, लैंड पोल्यूशन. क्या आएगा यहाँ पे, लैंड पोल्यूशन. ठीक है, लैंड का स्पेलिंग आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, LAND, लैंड. ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से याद करना आप लोग. थर्ड है व्हेन चिल्ड्रन burst firecrackers, they causes dash pollution. जब बच्चे जो है पटाखे जलाते हैं, तो उसमें से कौन सा ये जो कौन सा pollution ये काज करते हैं. ठीक है, बहुत सारे आवाज़ निकलते हैं, unpleasant sound निकलते हैं, तो उसको उसकी वजह से क्या होता है, noise pollution create हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, noise pollution, NOISE, noise. ठीक है, सेकेंड है यूजिंग डेज बैग इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट. यूजिंग प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग हमारे जो हम इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा नहीं होता है. प्लास्टिक, PLASTIC. ठीक है, प्लास्टिक बैग्स. बी पार्ट, अंडरलाइन वर्ड्स आर इनकरेक्ट. जो आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स पे अंडरलाइन किया है, ये वर्ड जो है वो गलत है. राइट द करेक्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैंक्स. आप लोगों को इसके इस पे जो सही वर्ड्स आएगा आप लोगों को वो यहाँ पे लिखना है ब्लैंक में. ठीक है, अब पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सही है कि गलत है. ठीक है, फर्स्ट है गार्बेज थ्रोन इन एन ओपन इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट. बोल रहे हैं कि जो गंदे चीज़ें जो है वो ओपन हमारे इन्वायरमेंट में ओपन जगह पे ऐसे फेंकना वो अच्छी बात है, तो ये गलत है. यहाँ पे गुड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बैड आएगा. ठीक है, ये जो इसके लिए ऐसे ही जो गंदे चीज़ इन्वायरमेंट में ओपनली फेंकना वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है. ठीक है, BAD, बैड लिखना है आप लोगों को ब्लैंक में. इसी तरह सेकंड है क्लीन वाटर काजेस मेनी डिजीज. बोल रहे हैं कि जो साफ़ पानी जो है वो बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं, तो यहाँ पे क्लीन नहीं आएगा. किस कौन सी पानी की वजह से डिजीज़ बहुत सारे आते हैं, डट्टी. ठीक है, आप लोगों को डट्टी यहाँ पे लिखना है, DIRT वर्ड, डट्टी. जो गंदी चीज़ जो पानी की वजह से बहुत सारी चीज हमारे मतलब डिजीज़ काज करते हैं. ठीक है, इसके बाद है थर्ड, वी बिकम अनहेल्दी हेल्दी व्हेन वी ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर. बोल रहे हैं कि हम जो साफ हवा, पोल्यूटेड एयर यानी गंदे हवा लेने की वजह से हम हेल्दी हो जाता है, तो यहाँ गलत है. यहाँ पे आएगा अनहेल्दी. ठीक है, हेल्दी यहाँ लिखा है ना, अब लोगों को पहले UN लिखना है, फिर हेल्दी लिखना है, HELTHY, हेल्दी. ठीक है, फोर्थ है नॉइस इज़ प्लेसेंट टू एयर. नॉइस शोर जो है वो हमारे लिए एक ये होता है, मतलब वो हमारे लिए एक खुशी की बात होता है, नहीं नॉइस जो है वो अनप्लेसेंट होता है. इसकी वजह से मतलब इंसान क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है. तो आप लोगों को यहाँ पे क्या आएगा, UN प्लेसेंट, तो यहाँ पे लिखा है PLEASANT, प्लेसेंट. ठीक है, इसके बाद है वी मस्ट डिमेज आवर इन्वायरमेंट. हमें अपने इन्वायरमेंट को मतलब डिमेज करना चाहिए, तो यहाँ पे डिमेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेव आएगा. ठीक है, SAVE, सेव. वी मस्ट सेव आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा. आप लोग इनको अच्छे से रिवीजन करना. तो स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों की एग्ज़ाम 18 से. आप लोगों ने डेट शीट भी देखा होगा. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.